जैस रखे राम जी रहना चाहिए। अरे जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीता राम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। रहो सदा शान दशान से भरोसे भगवान के। रहो सदा से भरोसे भगवान। काल के भी डर से ना डरना चाहिए। काल के भी डर से ना डरना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। देह का अभ्यास छोड़ ममता से मुखे मोर। देह का अभ्यास छोड़। देह का अभ्यास छोड़ ममता से मुखे मोर। देह का अभ्यास छोड़ ममता से। काल के भी डर से ना डरना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। चलिए अब मैं आपके सामने भगवान राम के जन्म के कथा में लिए चलता हूँ। बोलो यज्ञ भगवान की। बढ़ाओ तो कहाँ से शुरू करूँ। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। राम जन्म के हेतु अनेका। वैसे भगवान का जन्म तो कई प्रकार का है। कहाँ से शुरू करूं राम जन्म तो मैं ही बता दो। एक है जब जब हुए धर्म की हानि यहाँ से शुरू करूंगा। बाढ़े असुर धम अपमानी तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा ने सज्जन पीरा। एक कारण तो ये है। और दूसरा कारण राम जन्म का विप्रोधेन सुर संते हेते अलीन है मनोजे अवतार। दूसरा कारण ये है। अब बताओ दूसरा ये है। अब यहां से शुरू करूं क्या। वैसे राम के कई कारण हैं, कई हेतु हैं, कई माध्यम हैं, कई बिकॉज हैं। कहां से शुरू करूं बताओ। राम राम जन्म के हेतु अनेका। अनेक कारणों से अवतार हुआ उनका। लेकिन उनके थोड़ी कहानी बताओ अवतारों की कथा कैसे हुआ। तो सुनो भैया
यहां से हुए राम के पूर्वज कौन थे? जानते हो राम के पूर्वज कौन थे? राजा सगर। कौन थे? राजा सगर ये राम के पूर्वज थे, जिन्होंने इस सागर का निर्माण किया, समुद्र का। इनके लड़कन ने इतनों खा ली थी मट्टी, राजा सागर के लड़कन ने। 60,000 लड़का थे, वह खात खात होते पहुंच गए हम मरने तो, कपिल भगवान किया भाई। इनने इतनों खुद इनके घोड़वा के चुरा ले, वो इंद्र घोड़ा को, और उसने जाके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तो राजा सागर के लड़का बढ़े थे, उस समय पूरे पृथ्वी में इनके मुकाबले कोई था नहीं। बताओ 60,000 लड़का थी, वो एक से एक बलवान था। अबे 4 लड़का होता तो गांव में आफत कर दी, तुम तो 60,000 भैया। वो डरते नहीं थे, उन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने अधीन कर लिया था। और घोड़ा खोजत खोजत जब उन्हें नहीं मिलो पृथ्वी में, तो पाताल को खोदना, धरती का खोदना शुरू कर दिया। और खोदी इतनी कि समुद्र बन गो, ओ के भीतर पहुंच गए तो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे जहां घोड़ा था। गाली देने लगे, नाराज पड़ गए। कपिल मुनि ने आंख खोल दी, 60,000 भस्म हो गए और भूत बन गए। और चिल्ला बेंजूर से 60,000 भूत बन गए आश्रम। अब बताओ भूत बने मरे परे, राख को ढेर लगी, 60,000 राखन को ढेर लगू तू, अब कैसे तरे? तो इनको एक भैया बच गो, तो उसका नाम था अंशुमान। उसने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, लेकिन गंगा जी को धरती में नहीं ला पाए, वो भी मर गए। अंशुमान से भाई दिलीप, दिलीप ने 11,000 वर्ष तपस्या करी, लेकिन दिलीप गंगा जी के धरती में नहीं ले पाए, पुरखा नहीं तरे, दिलीप मर गए। दिलीप के लड़का भाई भागीरथ, उन्हें 13 वर्ष कठोर तपस्या किया, 1300 वर्ष ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे बेटा वरदान मांग। कहने लगे ब्रह्मा जी, गंगा जी छोड़ो ब्रह्मलोक से धरती में आवे, मोए पुरखा तर जाए, भूत बने चिल्ला रहे। कहने लगे बेटा भागीरथ, मैं गंगा जी तो छोड़ दियो ब्रह्मलोक से, लेकिन बताओ इतने दूर सरग से गिरे हैं जब वो हैं, और धरती में गिरे हैं तो धरती फार के पाताल चलिए भाई, धरती में तो रुकेंगी नहीं, जब इतने वेग से गिरेंगी तो धरती नहीं फट जाएगी। कहने लगे तो का करो जा बताओ। कहने मैं तो कमंडल से भी खोल दूं, लेकिन उनका धारण करने वाला कौन है? कहले तुम ही बताओ। कहले भोले बाबा की प्रार्थना जो कर ले तब काम बन जाए। सो इनने भोले बाबा की तपस्या करी, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। कहले बेटा वरदान मांग। कहले यही वरदान है कि तुम अपने सिर पे और गंगा जी धारण करो। कहने लगे ठीक है, ब्रह्मा जी को आदेश दो कि गंगा जी को छोड़े, हम अपने सिर पे धारण करेंगे। शंकर जी ने भयानक रूप बनाया महाकाल, उनके समझ लो 10,000 किलोमीटर की तो जटाएं थी। शंकर जी 10,000 पूरे संसार में जटाई जटा भोले बाबा की लहरा रहे। कहले दे आदेश ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को आदेश दिया भोले बाबा ने, ब्रह्मदेव गंगा को नीचे उतारो धरती में। और जैसे ब्रह्मा जी ने कमंडल से गंगा जी निकाली, अरे बड़ा वेग था उनमें, हर 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 गंगा मैया की, हर 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 नहीं कहते तुम, हर 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 महादेव। हर हर का हर हर नाम नहीं है उनका, हर हर आखंगिरी गंगा जी गड़गड़ाद भाई, हर 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 उनकी आवाज थी, हर 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 कैसे शंकर जी को निशाना बनाई थी, तो हर 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 ऐसी आवाज थी गंगा जी की। विकट भयानक धार गिरी प्रचंड ब्रह्मलोक से, और शंकर जी की जटाएं पड़ी गंगा जी तरफ, हर हर आद गिरी। आज शंकर जी ने इतनी जटाएं बढ़ाई, एक बूंदानी गिरो धरती में जट नहीं में समा गई। बोलो शंकर भगवान की, पता नहीं परो की गिरी कहां, वही जट नहीं में बिधा जाए, नीचे आई ना पावे। अब जटा पूरे संसार में फैले थे, कितने भीजे भैया। ऐसे हमारे भोले बब्बा
जय हो मालिक भोलेनाथ, तेरी महिमा निराली है। और जब से जटाओं में गंगा जी धारण की, तब से हमारे भोले बाबा का नाम जटा शंकर पड़ गया। एमपी में जटा शंकर का स्थान है। गए हो आप जटा शंकर भगवान? मध्य प्रदेश में जटा शंकर के एक बार जरूर आप दर्शन करना। ये वही जटा शंकर हैं जिन्होंने गंगा जी को धारण किया था। जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए, जटा शंकर कहलाए। रूप है यमंगल लेकिन, रूप है यमंगल लेकिन, मंगल के राशि भोलेनाथ हैं। अरे रूप है यमंगल लेकिन, मंगल के राशि भोलेनाथ हैं। भस्म लगा के भस्म किया है, भस्म लगा के भस्म किया है, नाम पड़ा कामा जटा शंकर। भस्म किया है, नाम पड़ा कामा जटा शंकर गहलाए, जटा शंकर गहलाए। जटा शंकर भगवान की, भैया जटा शंकर नाम पड़ा। और सुनो, शंकर जी ने यहाँ धारण किया। माता जी बैठ जाइए। भैया यहाँ धारण किया सिर पे, और जटाओं को जोशी खोला शंकर जी ने, सो धरती में गिरी गंगा जी, सकल लोक का उद्धार करने के लिए। संसार को उतारने के लिए माताओं, और भागीरथ के पुरखों का उद्धार करने के लिए, और हमारे तुम्हारे पुरखों का भी कल्याण करने के लिए। यदि गंगा जी ना होती ना, तो हमारे तुम्हारे इतने पुरख हम मरे कि एक एक घर में तक 10 भूत हो जाते। अब लोग कतरते ही ना हुए सब होते ही तो आता रथ फेंक आओ तो हड्डी की जहां से स्पर्श भाव की ताकत नहीं है, फौर हम सदगति हो। भैया गंगा जी आगे आगे भागीरा, पीछे पीछे गंगा मैया चले। अब देखो ऐसो लड़का भाव कि उन्हें अपने पुरखा तार दे, और 60,000 पुरखन में गंगा जी जाके समा गई, और 60,000 भागीरथ के पुरखा तर गए। बोलो गंगा मैया की। ऐसे ऐसे लड़का हैं कि जिनने अपने पुरखन के तारो, और आशा है कि हमारे लड़का हमारे पुरखन के, पुरखन के यही आशा है कि हमारा लड़का तार दे। आजकल ऐसे लड़का हैं, एक के पिताजी मर गए तो मम्मी ने कहो माताजी ने बेटा बाबूजी मर गए और हड्डियां सिराया ही फूल गंगा जी में कान लगे हो। एक ही लड़का तो उल्लेख है, पहुंचो कानपुर उनकी होते जे हो तब पंडन से मुड़ मुड़वाने पर पैसा ऐसा खर्च हुए हैं। ऐसो करो एक नाला में खड़ो हो गो और एक आदमी से पूछत कहले बाबूजी यहाँ से गंगा जी कितने दूर हैं? कहले बेटा 10 किलोमीटर। अच्छा उन्हें सोचो तो काय होते जाऊँ पंडन से मुड़ मुड़वाने पर पैसा लगे हैं अपने दद्दा खे ऐसो करत में यही में फेंके दी नाले में, 2-4 दिन में बात बात अपने आप पहुंच गए। सुने नाले में फेंक दिए पिताजी, पिताजी के फूल नाले में फेंक दे लड़का ने। अब घरे आओ तीसरे दिन दद्दा ने मेहताई के जगाओ, कहले वोट कहले काय आ गई तुम? अरे कान लगे योक्का पूता जो लड़का आएगा इन मोह नाले में फेंके आओ, सो उठा के मोह गंगा जी में डाल दे, मोह बड़ी तकलीफ हो रही। सोने जगाओ मेहताई ने लड़का कहे, कहले काय बेटा दद्दा आए थे सपने में? कहले का कहते? कहले कहते तो नाले में डार आओ मोह गंगा जी में डार। अले अम्मा बताऊं दद्दा तो है मूरख,
लकात कायरी ना लाए दद्दा के मुंह रखा हाथ राठ में मकान ले को कितनी बीघा खेती ले दी ट्रैक्टर ले दो फार मुंह रखा हाथ ना लाए अले मुंह रख तो है दद्दा अब बता नाले से अपनो घर 30 किलोमीटर है और नाले से गंगा जी 10 किलोमीटर है तो 30 किलोमीटर बताऊं तो आओ कि मैं नाले में डरू कहीं वहां 10 किलोमीटर वहां ना मर जा तू गंगा जी में गिर पड़ता है मूर्ख की नहीं दद्दा तो भैया आजकल ऐसे लड़का लेकिन भागीरथ ने पुरखा तार दिए लड़का हो तो भागीरथ जैसा का भागीरथ गंगा मैया एक निमित्त अपने पुरखों का लगा के संसार का उद्धार करने के लिए भागीरथ गंगा मैया को धरती में लाए एक बार गंगा मैया का नाम लो बोलो गंगा मैया की। अब गंगा मैया किस तरफ है आप बैठे हो तो किस तरफ है गंगा मैया आप बैठे हो तो गंगा मैया इस तरफ है यहाँ हाथ जोड़ के कहो इस तरफ है उत्तर तरफ हाथ जोड़ो तुम परीक्षा जी दो अगरबत्ती गंगा मैया के नाम से जरूर लगा दे ऐसे करके उत्तर तरफ मुंह करके बैठे ही बैठे यहाँ लगा दे दो बार नाम ले लो बोलो गंगा मैया की जय गंगा माता अरे जय गंगे माता श्री जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर तुमको ध्याता वांछित फल पाता मैया जय गंगे माता जय गंगे माता मैया जय गंगे माता बोलो चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता मैया जल निर्मल आता शरण पड़े जो तेरी शरण पड़े जो तेरी सोनर तर जाता मैया जय गंगे माता जय गंगे माता मैया जय आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता मैया जो जन नित गाता दास वही सहज में दास वही सहज में मुक्ति को पाता मैया जय गंगे माता जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुम्हें को ध्यावत जो नर तुम्हें को ध्यावत वांछित फल पाता मैया जय चंद्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता मैया जल निर्मल आता शरण पड़े जो तेरी शरण पड़े जो तेरी सोनर तर जाता मैया जय गंगे माँ जय गंगे गंगे माता बोलो गंगा मैया की मचाओ बंधु ये मैंने बड़ा सुंदर ढंग से आपको भागीरथ के पुरखों का उद्धार गंगा मैया का अवतरण की कथा सुनाई मचाओ सुनो अब भागीरथ अमर राम के वंश की कथा आपको सुना रहा हूँ सूर वंश भृग वंश में परशुराम जी हुए भृगवंश में परशुराम हुए चंद्र वंश में बुद्ध हुए और असुर वंश में यानी भागीरथ के वंश में राम पैदा हुए ये राम का वंश है और भागीरथ से रुतनाभ पैदा हुए रुतनाभ से सौपाक पैदा हुए सौपाक से अस्मक नामक क्षत्रिय पैदा हुआ अस्मक से मूलक हुआ मूलक से विश्वसेव हुआ जब परशुराम जी ने क्षत्रियों का विध्वंस किया तो एक मूलक नामक क्षत्रिय बच गया था बस और मूलक से खडवांग राजा पैदा हुए कौन हुए खडवांग
जिनको नारद जी ने दो घड़ी में मुक्त कर दिया था। राजा खडवांग पैदा हुए और खडवांग से दीर्घायु राजा रघु पैदा हुए। खडवांग से कौन पैदा हुए? अब आ गए राम के वंश पे आप आ रहे। दब गए अब, वोल्टेज कम था। हम बोलो यज्ञ भगवान की। तो भैया राजा खडवांग से राजा रघु भय, रघुकुल जीत सदा चले आई, और प्राण जाए पर बचन ना। ये वही रघु है माताओ, सुनिए कथा भगवान की। तो राजा रघु पैदा भय और रघु से अज पैदा हुए और अज से दशरथ पैदा। शिवो हम से दशरथ पैदा हुए और दशरथ से कौन पैदा हुए? अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राम का जन्म हुआ। कब हुआ? नौमी तिथि आरो बार पुनीता, नौमी तिथि आरो बार पुनीता, अभी जीते मोह। भैया नौमी तिथि मधो मास पुनीता, उत्तर चेत की नमें दिन के समय मध्य समय। राम जन्म, अरे इतनी देर। भैया नौमी तिथि मधु मास पुनीता, ए उत्तरत नौमी तिथि। देखिए भगवान राम का जन्म हुआ, बरसई सुमन आकाश से दुंदुभियां बजने लगी। दुंदुभियां